आदरणीय बुजुर्गवार नौजवान साथियों, आवाज को सुनती मातृशक्ति आपकी सेवा में सोनो टेक कैसेट के माध्यम से पेश है किस्सा द्रोण प्रतिज्ञा भाग दो, जिसके गायक कलाकार महाशय सतपाल दोसा, मैनपाल बसेड़ा हरिद्वार और संगीत पे जाने माने कलाकार साथ दे रहे हैं, मास्टर हंसराज, बस्तीराम एंड तूफान पार्टी। दोस्तों, राजा द्रौपद द्रोणाचार्य से कहते हैं कि एक गऊ नहीं आपको दो गऊ दूंगा, लेकिन यार बन के नहीं मांगो, आप भिखारी बन के मांगिए। आप तो तिलक लगावा पंडित हो, मैं राजा हूं, मेरी आपकी क्या दोस्ती है। दोस्तों, राजा द्रौपद कहता है कि आप मेरे उस पूज्य गुरु जी के औलाद हैं, इसलिए मैं आपको जिंदा छोड़ता हूं, आप मेरे दरबार से भाग जाइए। मेहरबानो, द्रोणाचार्य सोचते हैं कि हो सकता है राजा द्रौपद गुस्से में हो किसी बात की वजह से, इसलिए ऐसा कह रहे हो। समझाने का प्रयास करते हैं दोनों के सवाल और जवाब किस तरह होते हैं। नुबुल रे गुरुकुल वाली बात तेरे में आजी देती नहीं दिखाई से, तू मेरी सभा से बाहर निकड़ जा इसमें तेरी भलाई से, मेरी सभा से बाहर निकड़ जा इसमें तेरी भलाई से। ओ गुरुकुल वाली बात तेरे में आज देती नहीं दिखाई से, शोभा दे रो हारे तेरा। ओ ढोंगी ब्राह्मण राजा द्रौपद पद में बन गया यार तेरा, आज उल्टी सीधी बात करे ना शोभा दे रो हार तेरा। ओ ढोंगी ब्राह्मण राजा द्रौपद पद में बन गया यार तेरा। ओ पद में यार तेरा, अरे ठा लाया मन प्यार तेरा, कहे न्यू छाती भर आई से। ओ तो झूठो के झूठे इसमें बिल्कुल ना सच्चाई से, तो झूठो के झूठे इसमें बिल्कुल ना सच्चाई से। ओ गुरुकुल वाली बात तेरे में आज देती नहीं दिखाई से। द्रोणाचारी साथी का दुनिया में ना होता देखा, मेल गधे और हाथी का। तू राजा बन के साथी भूल गया द्रोणाचारी साथी का, दुनिया में ना होता देखा, मेल गधे और हाथी का। ओ मेल गधे और हाथी का, तू छतरी में ब्राह्मण जाति का, फिर भी मेरा गुरु भाई से। और मीठी बात बना के जग में होती ना मन चाहे,
पीना मन चाही से। ओ गुरुकुल वाली बात तेरी मैं आज देती नहीं दिखाई से। आदत गंदी है तेरी, एक गौआ मांगी तेरे से इसमें गलती क्या मेरी। धन का लोभी पहले से सदा आदत गंदी है तेरी। ओ आदत गंदी है तेरी। सुन द्रौपदी की बात अंधेरी, आंखों आगे छाई से। अनपण के यार गौ मांगी यह इतनी कहाँ समाई से। पढ़ के यार गौ मांगी यह इतनी कहाँ समाई से। ओ गुरुकुल वाली बात तेरे में आज देती नहीं दिखाई से। वो फिलहाल रागणी गावणिया तो गावे है पर मांगे है सुर ताली रागणी। है दुर्गे की मेहर राज बल लिखता वो फिलहाल रागणी। ओ लिखता वो फिलहाल रागणी। मैंने पाले सत पाले रागणी पर कैसे कविताई से। हृदय अंदर चिपके से ऐसी लड्डन की कविताई से। ओ गुरुकुल वाली बात तेरे में आज देती नहीं दिखाई से। तू मेरी सभा से बाहर निकल जा इसमें तेरी भलाई से। मेरी सभा से बाहर निकल जा इसमें तेरी भलाई से। ओ गुरुकुल वाली बात तेरे में आज देती नहीं दिखाई से। इस तरह से दोस्तों राजा द्रौपद घर आए द्रोणाचार्य का अपमान करता है। मेहरबानों सभा हंसने लगती है। द्रोणाचार्य अपमान महसूस करते हैं, शर्म के मारे गर्दन नीची हो जाती है। दोस्तों न वहां से चलने को जी करता है, उन न बैठने की हिम्मत रहती है। बेदम सा शरीर हो जाता है द्रोणाचार्य का। मेहरबानों भरी सभा के अंदर ऐलान करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं द्रोणाचार्य। आइए सुनते हैं कवि ने क्या लिख दिया। नशे में अंधा हो गया, तने नहीं बात का ध्यान कराया।
राजा द्रौपद के सोची घर आए काया अपमान करया। राजन से मैं अंधा हो गया बिल्कुल ना ते ध्यान करया। राजा द्रौपद के सोची घर आए काया अपमान करया। तने राजा द्रौपद के सोची घर आए काया अपमान करया। का बिल्कुल नहीं विचार करया। भरी सभा में शीश मेरा तन कलम बिना हथियार करया। मैं किसी दिन का ना छोड़ा मेरा स्त्रिया सत्कार करया। चूल्हा जुलम की झूल में आपा आपे से बाहर करया। का जालिम तने दिल पे खड़िया तूफान करया। राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। तू राज नशे में अंधा हो गया बिल्कुल ना ते ध्यान करया। राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। तन राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। आरा में नहीं छोटा दे इसी पे तुल्या शर्म का बिल्कुल ना में नहीं छोटा। अरे जीऊंगा पर दुनिया में जीने का काम नहीं छोटा। क्या कह दू स्वाभिमान मेरा कर जानीला में नहीं छोटा। झूठी नहीं रे मेरे लेखे झूठी नहीं। तन एक धरण यश माने करया। राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। तन राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। जाते पूरी कर बकवाद नहीं। बड़े बड़े वीरों को हमने तो आने दिया सांस नहीं। जब बात सीम से बाहर लिकर जा वो दिल पे बर्दाश्त नहीं। क्या परसुरा में ब्राह्मण का तन सुनिया कदे इतिहास नहीं। मारे दिए रे बड़े बड़े वीर मारे दिए और खाली साथे मैदान करया। राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। तन राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। तू राज नशे में अंधा हो गया नहीं का ध्यान करया। राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। तन राजा द्रौपद के सोची घर आए का अपमान करया। सोची लिया डर जाऊंगा मां जगदम्बे के चरणों में सर धर के तर जाऊंगा।
प्रतिज्ञा करूं जीऊं ना मर जाऊंगा तेरी बराबर काहो के गऊं लेके जब घर जाऊंगा। अरे लटन सिंह राजबल कह रहे लटन सिंह राजबल के फिर द्रोणा ने ऐलान करया राजा द्रौपद के सोची घरे आए का अपमान करया तने राजा द्रौपद के सोची घरे आए का अपमान करया तू तो राज नशे में अंधा हो गया नहीं तने कुछ ध्यान करया राजा द्रौपद के सोची घरे आए का अपमान करया तने राजा द्रौपद के सोची घरे आए का अपमान करया। इस तरह से प्रेमी दोस्तों द्रोणाचार्य पांचाल देश की सभा के अंदर राजा द्रौपदी की ऐलान करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि द्रौपद जब तक मैं इस अपमान का आपसे बदला नहीं ले लूं न घर जाऊंगा और न चैन से बैठूंगा। दोस्तों प्रतिज्ञा कर लेते हैं और अपमानित होकर के वहां से चल देते हैं। पांचाल देश की सीमा पर आकर के बैठ जाते हैं द्रोणाचार्य और सोचने लगते हैं कि अगर मैं घरवाली की बात को मान जाता मिश्राणी की बात को मान जाता तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। मेहरबान हो मन ही मन पश्चाताप करते हैं किस तरह आइए सुनते हैं। मल एकला माली मेरी साथ तकरार करा घरवाली ने पिया मत जावे पांचाल देश इंकार करा घरवाली ने इंकार करा घरवाली ने मन एक न मानी मेरी साथ तकरार करा घरवाली ने मत जावे पांचाल देश इनकार करा घरवाली ने इनकार करा घरवाली ने भाई बिगड़ी हालत मैं दुनिया में कोई किसी का यार नहीं मैं हद से ज्यादा समझाया पर समझा मूड गवार नहीं और मिश्राणी के शब्दों की कानों से हटे गुंजार नहीं पांचाल देश का राजा है पिया अब वो राजकुमार नहीं बलर है मेरी बुद्धि पे अचरज बे सुमार करा घरवाली ने मत जावे पंचाल देश इनकार करा घरवाली ने इनकार करा घरवाली ने दुनिया से उजड़ गया अब बचता नजर नहीं आता मेरे फूल चमन के मुरझा के कोई हंसता नजर नहीं आता अब मेरी इज्जत से ज्यादा जग में सस्ता नजर नहीं आता आखोया गया हुआ अंधेरा रास्ता नजर नहीं आता मैं पागल बन गया बहुत घना होशियार करा घरवाली ने मत जावे पंचाल देश इनकार करा घरवाली ने इनकार करा घरवाली ने घरवाली की मानता तो
इतना दुख सहता ना, बेइज्जती का पहाड़ टूट के मेरे सिर के ऊपर ढहता ना। कान खोल के सुन द्रौपदी, उस समय एक सा रहता ना, जी गया तो बदला ले लूंगा, मर गया तो कुछ कहता ना। जिकर आबरू इज्जत का कई बार करया घरवाली ने, मत जावे पंचाल दे इनकार करया घरवाली ने, इनकार करया घरवाली ने। ना गाने का चालिकड़ा, तन मन की सुध भूल गया, फिर हसनापुर में आ लिकड़ा। और लाखों में कोई यार फेल, भला लाखों में कोई यार फेल, संसार करा घरवाली ने, मत जावे पंचाल देश इंकार करा घरवाली ने, इंकार करा घरवाली ने। एक नवाली मेरी साथ तकरार करा घरवाली ने, मत जावे पंचाल देश इंकार करा घरवाली ने, इंकार करा घरवाली ने। इस तरह से प्रेमी दोस्तों द्रोणाचार्य पांचाल देश की सीमा से उठ करके चल देते हैं और सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान, इस तोहिन का, इस अपमान का बदला कैसे लूं, इसके बराबर का कैसे होऊंगा। राजा द्रौपदी सोचते सोचते एक तरकीब दिमाग में आती है कि अब हस्तिनापुर चलना चाहिए और बाबा भीष्म से सलाह मिलाऊंगा। तो दोस्तों चलते चलते हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश करते हैं द्रोणाचार्य। जाकर के देखते क्या है, वहां के राजकुमार गेंद खेल रहे हैं। अचानक खेलते खेलते गेंद एक कुएं के अंदर जा पड़ती है। राजकुमार काफी कोशिश करते हैं गेंद निकालने की, लेकिन गेंद को नहीं निकाल पाते। मेहरबानों द्रोणाचार्य पास में पहुंच जाते हैं और एक बात के द्वारा राजकुमारों से क्या कहते हैं ये सुनते हैं। और एक नहीं दो चार यहाँ पर, सबके सब बेकार हो तुम। जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, फिर कैसे राजकुमार हो तुम, फिर कैसे राजकुमार हो तुम। एक नहीं दो चार यहाँ पर, सबके सब बेकार हो तुम। को कह दूं क्या मैं, फुल्ले नहीं समाते होंगे, माता पिता थार चाह में, माता पिता थार चाह में, हस्तिनापुर की मेरी निगाह में, जीत नहीं सब हार हो तुम। जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, राजकुमार हो तुम, फिर कैसे राजकुमार हो तुम। एक नहीं दो चार यहाँ पर, सबके सब बेकार हो तुम।
जमाने है मारी। बाणों की विद्या में श्रेष्ठ हर कुल के गुरु कर्माचारी, हर कुल के गुरु कर्माचारी, जहां भी सम से बाणाधारी वहां इतने मुड़ी गंवार हो तुम। जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, फिर कैसे राजकुमार हो तुम, फिर कैसे राजकुमार हो तुम। एक नहीं दो चार यहां पर सबके सब बेकार हो तुम। फिक्र नहीं उस माड़ी ने जिसकी बागी बहार हो तुम। जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, फिर कैसे राजकुमार हो तुम, फिर कैसे राजकुमार हो तुम। एक ही नहीं दो चार यहां पर सबके सब बेकार हो तुम। दंगल में तेरी हंसी वहाणी माता मेरी, गुण विद्या भंडार हो तुम। जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, जब लिकड़ी गेंद कुवे से ना, फिर कैसे राजकुमार हो तुम, फिर कैसे राजकुमार हो तुम। एक नहीं दो चार यहां पर सबके सब बेकार हो तुम। हाँ सबके सब बेकार हो तुम। इस तरह से प्रेमी दोस्तों द्रोणाचार्य राजकुमारों से कहते हैं कि जब तुम एक गेंद इस कुएं से नहीं निकाल सकते तो इस राज्य की कैसे रक्षा करोगे। अभी तो बाबा भीष्म वगैरह जिंदा हैं, आगे का बोझभार आपके कंधों पर है, कैसे उठा पाओगे। दोस्तों इतनी सुनकर के राजकुमारों की गर्दन नीची हो जाती है और कहते हैं कि महाराज हम पे तो ये गेंद निकल नहीं पा रही है, क्या आप निकाल सकते हो। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हाँ इसको हम निकाल सकते हैं। क्यों, किस तरह, कि देखो किस तरह से। दोस्तों बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य सरकंडे के तीर बना करके उस गेंद को निकालते हैं। ये देख करके राजकुमार हैरान रह जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को पूछते हैं कि आप कौन हो और कहां से आए। तो अपना पूरा परिचय बताते हैं गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमारों के साथ में हस्तिनापुर दरबार में पहुंचते हैं। राजकुमारों के हाथ पता भिजवाते हैं बाबा भीष्म पर कि जाइए बताइए कि द्रोणाचार्य आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, मेहरबानो। राजकुमार सारी बात जाकर के गेंद तक की और द्रोणाचार्य की गेंद निकालनी ये सारी बात भीष्म से जाकर के बताते हैं, मेहरबानो। फिर क्या था, भीष्म नंगे पैरों मिलने के लिए द्रोणाचार्य को गेट पर आते हैं और राजकुमारों की वहां
द्रोणाचार्य के हाथ में पकड़ा करके एक बात के द्वारा क्या कहते हैं ये सुनते हैं। इस बात के द्वारा और चाहे धरती पे पटक चाहे उचकार गोद में ठाके ये हस्तनापुर के राज कवर थरी पड़े शरण में आके ओ समझ लो जी सोच लो जी समझ लो जी सोच लो जी चाहे धरती पे पटक चाहे उचकार गोद में ठाके हतनापुर के राज कवर थारी पड़े शरण में आके समझ लो जी सोच लो जी दुनिया में घोर अंधेरा द्रोण हमारे लेखे हैं जीवन में प्रकाश करे दिल नजर आप पे देखे हैं न्यू गंगा पुत्र देखे हैं गंगा पुत्र देखे हैं थारे मुंह की तरफ लखा के हस्तनापुर के राज कवर थारी पड़े शरण में आके समझ लो जी सोच लो जी समझ लो जी सोच लो जी हतनापुर का राज जगत में इन बच्चों से तर सकता इन बच्चों के ऊपर मैं दिन रात तवाई भर सकता इन खुद ना काबिल कर सकता इन खुद ना काबिल कर सकता मैं सारी उम्र खपा के हतनापुर के राज कवर थारी पड़े शरण में आके समझ लो जी सोच लो जी समझ लो जी सोच लो जी की भाटवाज सुत खाली झोली भर दो इस हतनापुर के ऊपर अपनी मेहर नजर की कर दो इन बच्चों के सर पे धर दो इन बच्चों के सर पे धर दो तुम अपना हाथ लफा के हतनापुर के राज कवर थारी पड़े शरण में आके समझ लो समझ लो जी सोच लो जी और महाभारत की कथा मनुष्य के झूठ नहीं दुख दर्द हरे कह लगन सिंह राज बल सुन वेद व्यास ऐलान करे भाई सुनने वाला सुन के तरे और गाने वाला गाके हतनापुर के राज कवर थरी पड़े शरण में आके समझ लो जी सोच लो जी
घर चाहे धरती पे पटक चाहे कुछ कार गोद में ठाके। हस्तापुर के राज कवर धरी पड़े शरण में आके समझ लो जी सोच लो जी। तरह से प्रेमी दोस्तों द्रोणाचार्य को अपने सभी राजकुमारों को सौंप देते हैं बाबा भीष्म और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उचित इंतजाम करा जाता है। धीरे धीरे सब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। मेहरबान और समय गुजरता गया, राजकुमार भी नौजवान हो जाते हैं और शिक्षा सीखकर पूर्ण तरीके से निपुण हो जाते हैं। एक रोज की बात, बाबा भीष्म के सामने राजकुमारों को लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि भीष्म जी, अभी आपके राजकुमार जो हैं अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं, अब अपने राजकुमारों को संभालिए और हमारी गुरु दक्षिणा दीजिए। भीष्म जी कहते हैं कि मांगिए द्रोणाचार्य, आप गुरु दक्षिणा में जो भी लेना चाहते हैं आप, हम आपको वही देंगे। मेहरबानो, द्रोणाचार्य कहते हैं के भीष्म जी, हम ये दक्षिणा आपसे नहीं आपके इन राजकुमारों से लेंगे, क्योंकि शिक्षा हमने इनको सिखाई है आपको नहीं। और एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, अरे हाथी घोड़े महल किले हरे धन की छाना मेरी, बोल के कान सुनो सारे क्या गुरु दक्षिणा है मेरी, गुरु दक्षिणा क्या मेरी, हाथी घोड़े महल किले थारे तन की इच्छा ना मेरी, बोल के कान सुनो सारे क्या गुरु दक्षिणा है मेरी, गुरु दक्षिणा क्या मेरी। मानी बात गुरु की, मन ने भी कुछ पास न रखा दी गुप्ती बता कला मेरी, खोल के कान सुनो सारे हैं गुरु दक्षिणा क्या मेरी, गुरु दक्षिणा क्या मेरी। माली बाग लगाता करोला कुपाए पर फूल समय पे आता, पर वो सोजा बाग तो माली फूलिया नहीं समाता, फूलिया नहीं समाता, हरे भरे फल फूल पात आज शोभा रहे बढ़ा मेरी, खोल के कान सुनो सारे हैं गुरु दक्षिणा क्या मेरी, गुरु दक्षिणा क्या मेरी। और मौत के मुंह में फंसा था तीन ना बचने की आस में रहे, घने दिनों के बाद हटके आया शरीर में सांस मेरे, जिंदा द्रौपद पास मेरे, जिंदा द्रौपद पास मेरे, रोम रोम सब पिंध्या पड़ा हर नाड़ी नस नस घा मेरी, खोल के कान सुनो सारे हैं
दक्षिणा क्या मेरी, गुरु दक्षिणा क्या मेरी। बेचैनी इंतजार की है इसमें सारे मेरी ही ना, हस्तापुरी द्वार की है होली आन किन साले मन ना, खबर कुछ घर बार की है, खबर कुछ घर बार की है। कहला डन सिंगी राज बाली बनगी नई रागनी गा मेरी, खोल के कान सुनो सारे क्या, गुरु दक्षिणा है मेरी, गुरु दक्षिणा क्या मेरी। हाथी घोड़े महल किले थारे तन की इच्छा ना मेरी, बोल के कान सुनो सारे है, गुरु दक्षिणा क्या मेरी, गुरु दक्षिणा क्या मेरी। इस तरह से मेहरबानों गुरु दक्षिणा की बात करते हैं द्रोणाचार्य। भीष्म जी कहते हैं कि आचार्य जी अब आपके शिष्य शिक्षा में निपुण हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या का आपने सबको ज्ञान करा दिया है, जो भी दक्षिणा आप इनसे चाहते हो, ये हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, धन संपत्ति इनके पास में बहुत है, जो भी चाहो आप मांग लीजिए। तो मेहरबानो द्रोणाचार्य उस अपमान का बदला लेना चाहते हैं जो प्रतिज्ञा कर रखी है। कहते हैं कि पांचाल देश का जो राजा है द्रौपदी, उसको जिंदा मूषक बांध के मेरे सामने ला जाए, यही गुरु दक्षिणा है मेरी। तो दुर्योधन कहता है कि गुरुजी ठीक है, इस काम को मैं करूंगा, अपने भाइयों के सहित पांचाल देश के राजा पर चढ़ाई करता है दुर्योधन। लेकिन मेहरबानों राजा द्रौपदी के सामने दुर्योधन की सेना टिक नहीं पाती, परास्त हो जाती है, सामने से भाग जाती है, हस्तिनापुर पहुंचती है मुंह लटकाई हुई। मेहरबानों ये सीन द्रोणाचार्य से देखा न गया और अर्जुन के लिए कहने लगे कि अर्जुन अब तुम्हारा नंबर है, बोलो आप क्या कहते हो। कि ठीक है गुरुजी, आपको गुरु दक्षिणा हम देंगे। और अर्जुन अपने चारों भाइयों के सहित पांचाल देश पर चढ़ाई करता है और वहां के राजा द्रौपदी को युद्ध के लिए ललकारता है। मेहरबानों दोनों तरफ की सेना युद्ध के मैदान में डटी हुई है। राजा द्रौपदी कहता है कि राजकुमार तू अभी नादान है, तेरी कम उम्र है, तू यहां से भाग जा, पहले भी कुछ आए थे वो भी भाग गए, तू भी भाग जा। लेकिन दोनों के सवाल और जवाब किस तरह होते हैं ये सुनते हैं। और कौन सामना कर सकता है, बोला कौन सामना कर सकता है इस द्रौपदी बलकारी का। तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का, तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का। कौन सामना कर सकता है इस द्रौपदी बलकारी का, तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का, तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का। अरे उस द्रोणाधिक मंगे ने धंडा ढूंढा खुदे गुजारे का, इस दिल पे अपमान सहनला होगा गुरु हमारे का। खोज मिले ना तोहे से मेरे बाण मारे का, तुझे रण भूमि में पता लाग जा
जंके आज नजारे का। तार के ले जाऊं हत नापुर लंबरदारी का, ताज तार के ले जाऊं हत नापुर लंबरदारी का। कोई सामना कर सकता है इस द्रोपद बलकारी का, तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का, तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का। छोटा मोर बात बड़ी धनी तरत ले जबान तेरी, हुई किसी की ना जग में ऐसी इज्जत करूं बिरान तेरी। मोसिस पे गरज रही है ओ बालक नादान तेरी, यू बालक नादान घमंड की आज छुटा दे बाण तेरी। मुझे फूल कली ना समझ खार हूँ गाहक जान तुम्हारी का, मुझे फूल कली ना समझ खार हूँ गाहक जान तुम्हारी का। अरे रोवेगी दिन रात मात तेरी कर दू खत्म कहानी में, बोल झिले ना कड़वा पर है हसनापुर के पानी में। नहीं बचेगी जाने मूर्ख मत कुत्ते आगी बिरानी में, नदी खून की बह जाएंगी तू आग लगा राजधानी में। तेरी सब जानू औकात परिचय मत देवे होशियारी का, तेरी सब जानू औकात परिचय मत देवे होशियारी का। उस मूर्ख द्रोणा के चेले पहले भी कुछ यहाँ आए थे, आज नहीं होने के हैं जो पहले हो गए चाहे थे। पांच जने वो अनगिन थे मन मारे के बाणे भगाए थे, कहलटन सिंह राजबल अर्जुन ने गुरु मनाए थे। अर्जुन ने धनुष चुचकारा सुमरण कर कुंती महतारी का, अर्जुन ने धनुष चुचकारा सुमरण कर कुंती महतारी का। कोई सामना कर सकता है कौन सामना कर सकता है इस द्रोपद बलकारी का, तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का, तेरी सारी भूल काढ़ देगा ये चेला द्रोणाचारी का। मेहरबानों इस तरह से दोनों तरफ की सेनाओं युद्ध के मैदान में डट जाती है, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। लगता है अर्जुन को कि आज द्रौपदी के हाथों शायद तू मारा जाएगा। मेहरबानों माता कुंती को मनाता है, गुरु द्रोणाचार्य को याद करता है और मैदान जंग में डट जाता है। अर्जुन बहुत ही साहस के साथ में युद्ध को करता है, द्रौपदी के रथ को तोड़ देता है, सारथी को मार देता है और घोड़ों को भी मार देता है और अपने रथ से कूद करके द्रौपदी की मुसक बांध लेता है। मेहरबानों फिर क्या था, रथ में डाल करके हस्तिनापुर को चल देता है।
जाकर के द्रोणाचार्य के सामने द्रौपद को पेश करता है। अब द्रोणाचार्य पूछते हैं कि द्रौपद, क्या तू अब भी राजा है? अब भी तेरे पास में वही धन संपत्ति राज्य है? अब तू मेरे सामने ऐसा खड़ा है जैसे उस दिन मैं तेरे दरबार में अपमानित होकर के आया था। मेहरबानो कहता कि मैं भी तेरा यार हूं, मैं तुम्हारी बेइज्जती अपमान नहीं करूंगा। आधा राज तुमको देता हूं, आधा राज खुद रख लेता हूं। अब मैं तुम्हारी बराबर का हो चुका हूं। मेहरबानो एक बात के द्वारा वो द्रोणाचार्य द्रौपद से क्या कहते हैं? अरे और किसी ने नहीं करया, तेरी करनी ने मोहताज तुझे, तन एक गौना दी यारी मैले, आधा देऊं राज तुझे, आधा देऊं राज तुझे। और किसी ने नहीं करया, तेरी करनी ने मोहताज तुझे, एक गौना दी यारी मैले, आधा देऊं राज तुझे, आधा देऊं राज तुझे। पहाड़ का नहीं करया था ध्यान तने, अरे एक ही बोल में हला दिए थे धरती और आसमान तने, दुनिया में से मिटा था यारी का नाम इंसान तने। ऐसा बेशर्मी पे तुला जरा भी आई नहीं लिया जी तुझे, एक गौना दी यारी मैले, आधा देऊं राज तुझे, आधा देऊं राज तुझे। मच्छर के सामान लगे नजरों में संसार तेरी, दूर दूर तक नामी जग में थी बाणों की मार तेरी। अरे खून म्याहन से दारी लिकड़ के मांगे थी तलवार तेरी, गिद्दड़ बन के बंध्या पड़ा आज कहा से रोसी हूं का तेरी। मोड़े मोड़े मैं मान्या कोन्या, देना पड़ गया ब्याज तुझे, एक गौना दी यारी मैले, आधा देऊं राज तुझे, आधा देऊं राज तुझे। अरे दुखोड़ दिया जब तक जीऊं दिल पे खेऊंगा मैं, बदनामी की स्याही सेना जग में मुंह बेऊंगा मैं। और राजी आज पंचाली देश का सुन ले, आधा लेऊंगा मेरा बेटा करे दूध की जी तेरी, एक ही गऊं लेऊंगा मैं। हटके ऊपर लड़ू यार ना, दबूंगा ना जाज तुझे, एक गौना दी यारी मैले, आधा देऊं राज तुझे, आधा देऊं राज तुझे। अरे दिल के अंदर झूठी नहीं है, आज भी सिंगी राज बलमती समझे इतना बार मुझे,
ओ तेरी एक ही बात ना मानू जग में और बात स्वीकार मुझे, मैं अपने घर में जाऊंगा, मेरी एक ही गऊ दे यार मुझे। मैं तेरी बराबर का बन गया, मैं तो तेरी बराबर का बन गया, क्या पटा नहीं अंदाज तुझे, तन एक गऊ ना दी यारी, मैं ले आधा देऊं राज तुझे, आधा देऊं राज तुझे, और किसी ने नहीं करया तेरी करनी ने मोहताज तुझे, तन एक गऊ ना दी यारी, मैं ले आधा देऊं राज तुझे, आधा देऊं राज तुझे। इस तरह से प्रेमी दोस्तों द्रोणाचार्य राजा द्रौपदी को जिंदा छोड़ देते हैं और उनसे वही एक गऊ लेने की बात करते हैं। कहते हैं कि आधा राज मैं आपको दे दूंगा, आधा राज मैं खुद करूंगा, और सबसे पहले आप मुझको वो गऊ दीजिए जो मैं आपके पास लेने के लिए गया था। मेहरबानो राजा द्रौपदी क्या करता, मजबूरी थी, मजबूर होकर के एक गऊ द्रोणाचार्य को देनी पड़ती है। इस तरह से मेहरबानो ये द्रोण प्रतिज्ञा का किस्सा यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। दोस्तों ये किस्सा द्रोण प्रतिज्ञा सोनो टेक कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसके गायक कलाकार महाशय सतपाल दोसा, मैनपाल बसेरद्वार और संगीत पर जानी मानी पार्टी साथ दे रही है मास्टर हंसराज बस्तीराम तूफान एंड पार्टी। दोस्तों लेखक या गायकों से या संगीतकारों से रिकॉर्डिस्ट से कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।